नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। यूपी के कनौज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जीवा अटारा गांव का है, जहां के एक किसान महेश भाई की टक्कर लगने बुरी तरह घायल हो गए। ऐसे में ग्रामीणों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां घायल किसान का इलाज करने की बजाय डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज तिरवा के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के हॉस्पिटल परिसर से निकलते ही घायल किसान ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, एम्बुलेंस चालक ने मृतक को जिला अस्पताल की मर्चरी के बाहर लाकर रोड पर ही छोड़ दिया और एम्बुलेंस लेकर चला गया। न तो मृतक की डिप हटाई और न ही बोतल निकाली। धूप में पड़े पिता के शव के पास काफी देर तक बेटी अकेली बेलखती रही, लेकिन किसी स्वास्थ्य कर्मी ने कोई सुधि नहीं ली। करीब पौन घंटे बाद मर्चरी पहुंचे ग्रामीणों की मदद से शव को उठाकर टीन शेड के नीचे रखा गया। शव रखने से पहले खुद ही परिजन ने झाड़ू लगाकर सफाई की और जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो बेटी ने पिता का शव जमीन में रखने से बचाने के लिए अपना दुपट्टा उतार कर बिछा दिया। यह सब देखने के बाद भी जिम्मेदारों का दिल नहीं पसीजा। मामले को लेकर जब CMSUC चतुर्वेदी से बात की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही मानने से इनकार करते हुए एम्बुलेंस चालक का ही बचाव करने लग गए। उन्होंने बताया कि मर्चरी के बाहर शव रखकर एम्बुलेंस चालक मर्चरी की चाबी लेने चला गया था, लेकिन सारा मैटर जानने के बाद तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं जिनका जवाब शायद किसी अधिकारी के पास नहीं होगा। सिस्टम इतना लचर और संवेदनहीन हो चुका है कि शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती। आखिर ऐसे संवेदनहीन अफसरों की शिकायत किससे की जाए, यह सवाल सिर्फ सवाल ही बनकर रह जाता है हर बार। क्या नाम है? मेरा हरिओम सिंह। हरिओम, यहाँ पे एक्सीडेंट की बात आ रही है, एक्सीडेंट को लेके एक आप मरीज यहाँ जिला अस्पताल में लेके आए हैं, तो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है सर, जिन्होंने एक्सीडेंट किया था गाड़ी से, उन लोगों से हमने कहा भी था कि इनका इलाज करा दीजिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। वो लोग बोले कि आपको चौकी में जो भी करना हो थाने पुलिस बुला लीजिएगा, हमारे पास चालान वो लाइसेंस वगैरह है। तो हमने बोला लाइसेंस तो क्या करें, फिर उसके बाद हम लोग अपने इलाज से लेके आए दंपत जो कि ये लोग हम लोग लेके आए थे गाँव के मोहल्ले लेके आए, तो वो लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने ठोका था उनके मोहल्ले के, तो लोग आए, उन लोगों से हमने कहा कानपुर रिटर्न ले चलिए इनको, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हालत में, तो वो लोग बार बार जिद लगाए थे मेडिकल कॉलेज ले चलिएगा, तो वो लोग फिर रुके रहे थोड़ी देर, वो गाड़ी लेके चले गए। फिर हम लोगों ने जैसे एम्बुलेंस मंगाई उसमें जैसे रख पाए, उन लोगों को बैठा पाया था, तब तक इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई है? इलाज के नहीं, मतलब डॉक्टर साहब ने तो कहे हाल ही जब बोतल डॉक्टर साहब चलाई चला दी, जैसे एम्बुलेंस लेटा पाए तैसे इनकी डेट हो गई। तो ये क्या से कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये पानी लगा रहे थे खेत में, और बाइक वाला आ रहा था पीछे से, इनकी टक्कर मार दी। तो बाइक का नंबर आपने नोट किया था? हाँ, बाइक नंबर नोट किया। क्या नंबर है बाइक का? बाइक नंबर UP 74 22 93 46। ये कहाँ का मामला है? ये जेमा अटारे एनआईपुर की गाड़ी थी, जेवा बिल्कुल चौराहे जो बना है वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था इनका। जिनकी मृत थी इनका क्या नाम है? इनका नाम क्या है? महेश। महेश, इनके कितने बच्चे हैं? इनके दो लड़के हैं, एक लड़का है और तीन बेटियां। तो ये क्या करते हैं? ये कुछ नहीं, यही खेती बाड़ी साहब हम लोगों की करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ। पीछे मछेरी के पास में और उसके बोतल भी नहीं निकाली थी और पीछे डेड बॉडी को छोड़ दिया गया। नहीं, मैंने कल सुबह संज्ञान में आया था तो वो चाबी लेने आया था मर्चरी के, पीछे बॉडी ले गया तो चाबी नहीं लेके गया था उसकी, तो बॉडी को रखते चाबी इधर मैं जैसे लेने आया था कमरा बोल दिया फ्रीजर में रखवाने के लिए। तो सर क्या देखे, फिर वो बॉडी फ्रीजर में रखवाई गई। तो सर क्या जब मृत होती है उसके बाद में क्या है, बोतल नहीं निकाली जाती है? निकाली जाती है, वो कमरे में रखने की काफ़ी चाबी नहीं थी उसके पास, इसलिए कमरे में रखता तो बोतल को सब निकाल के रखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही देखी जा रही है कि बोतल तो निकालना चाहिए, क्या कोरोना का डर था, इन लोगों का भय था, इसलिए बस नहीं, कुछ नहीं था, वो चाबी उस समय वहाँ पे रोक दी थी चाबी लेने के लिए, इमरजेंसी आया था, चाबी लेके तुरंत गया उसने बोतल निकाल के उसको फ्रीजर में बोतल रखवाई।